morning students today i'm going to teach you lesson number two from your marigold book the name of chapter is the bubble the straw and the shoe first of all i'm going to tell the summary of this lesson students i hope you listen and enjoy this story this story is about three friends the bubble the straw and the shoe students bubbles, kya bubbles means around Hollow शेप बॉडी formed with liquid, को हम बुलबुले भी कहते हैं उनको बुलबुले भी हिंदी में हम बुलबुले कहते हैं भी बबल्स होते हैं और स्ट्रॉ स्ट्रॉ क्या होती है एक ड्राई स्टॉक जो सूखी नली पाइप उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं शू शू होते हैं फुटवेयर जो आप घर में भी पहनते हो स्कूल में भी पहन के जाते हो उनको हम शू बोलते हैं तो जी तीनों क्या है फ्रेंड्स वन डे देवर फॉस पासिंग थ्राउ अ फॉरेस्ट एक दिन फॉरेस्ट क्या होते हैं फॉरेस्ट होते हैं जंगल जहाँ पे बहुत सारे एनिमल होते हैं उनको हम फॉरेस्ट कहते हैं जब वे जंगल के पास से गुजर रहे थे दे केम नियर टू रिवर तब वे एक नदी के पास पहुंचे रिवर क्या होती है नदी बट टू क्रॉस इट पर वे नहीं जानते थे कि इसको हम कैसे पार करें फाइनली

अधर फ हुआ जो स्ट्रॉ थी ना उसने अपने आप को स्ट्रेच खींचना उसने अपने आप को स्ट्रेच किया और ये जो रिवर थी उसको एक बैंक से दूसरे बैंक तक फैलाना शुरू कर दिया बैंक बैंक में किनारा जैसे ये रिवर के दोनों किनारे हैं ना उसने स्ट्रॉ इस ने इसको स्ट्रेच किया और दोनों किनारों तक फैला दिया शू ट्राई टू क्रॉस द रिवर सबसे पहले शू जो था उसने रिवर क्रॉस रिवर क्रॉस करने के आ, का प्रयास किया द शू लैंडेड ऑन द स्ट्रॉ एंड ब्रॉकेट शू जो था वो इस पर चढ़ कर उसको पार करने की कोशिश कर रहा था पर जब वो आ, सेंटर में पहुंचा तो वो जो स्ट्रॉ थी वह टूट गई बबल शूक शूक बिथ लाफ्टर एंड बस्ट अ बिग बैंग इससे बुलबुला जो था वे जोर से हंस पड़ा और जो धमाके की आवाज के साथ फूट गया बिग बैंग क्या होता है बड़ा धमाका जब वो जोर से हंसा तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो पानी का जो बुलबुला था वह बस्ट हो गया सो डियर स्टूडेंट्स ये थी तीनों फ्रेंड्स की स्टोरी सो टमोरो आई विल टीच यू स्टार्ट रीडिंग विथ साउंड ओके